अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए मैं आपको किधर आज लेके जा रही हूँ, बहुत अच्छा फार्म, चेरी एवेन्यू फार्म, जहाँ पे आपको एप्रिकॉट और पीचेस मिलेंगे। तो रेडी हैं आप? चले मेरे साथ। तो हम घर से निकले हैं, टिम हॉर्टन्स पकड़ा है क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, वेनसडे है और सोचा कि आज रश नहीं होगा, तो मज़े मज़े का पिज़्ज़ा भी पकड़ा और टिम हॉर्टन्स पकड़ा। लंच नहीं किया था, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो ये देखें पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का चीज़ ब्रेड और इसका पिज़्ज़ा, और बस हम निकले हैं जी घर से, थोड़ा अपने आप को अनप्लग करने, थोड़ा रिलैक्स होने। बहुत ज़्यादा काम करके थोड़ा इंसान को बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए, तो हम भी अपना एक ब्रेक लेने निकले हैं। और मैं आपको लेके जा रही हूँ चेरी फार्म एवेन्यू, ये नायग्रा फॉल्स के पास है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चले मेरे साथ। And it's 15 and the smallest is $8. Okay. Is it a bucket? Okay. It is. So this is our bulk basket. This lets in 3 people. All right. So I think we'll take this. Yeah. You really know you can take it? Okay. And up to the white tent. Okay. The peaches, the ripest peaches will be the largest ones and the ones with the most color. Okay. For apricots, have you picked apricots before? So apricots when they're ripe are orange. So if you want them ripe now, you can pick some with the oranges. Oranges color. Both extras off. All right. Okay. Okay. You just head up to the white tent and the tractor will take you out. It goes first to the peaches and then the apricots. Okay. Thank you. इसने हमें, ओनर ने सब इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जब राइप हुआ वह फ्रूट हो आप उसको उठाएं, जो राइप नहीं है उसको ना उठाएं ताकि वो ज़ाया ना हो। पिक एनी लीव्स और ब्रांचेस, ओनली फ्रूट। अनफॉर्चुनेटली सम गेस्ट हैव बीन पुटिंग फ्रूट इन देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स। ओह, यहाँ पे भी चोरियाँ चलती हैं। ये देखिए कितना प्यारा है। ये देखें कितना नीट है सब कुछ। मैं बस जा रही हूँ इस ट्रैक्टर पे, इस ट्रॉली पे बैठने। मुझे इसकी आवाज़ ने तो बिल्कुल अपना गांव याद करवा दिया है, लेकिन हमारा गांव इतना नीट नहीं था। इसकी आवाज़ से तो बिल्कुल मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। और इसी तरह हम ट्रॉली और उस पे बैठ के जाते थे खेतों में। बहुत मज़े की फीलिंग है। ये देखें जी हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। पीचेस का जो बाग है ये आ गया है और अब हमारी जो सारी ये सवारियां हैं ये उतरने के इंतज़ार में हैं कि उतरें और भागें और तोड़ें हम इन पीचेस को। तो बस ये देखें अब ये रोकेंगे और सब भागेंगे पीचेस तोड़ने की तरफ।
हाँ जी, इस बाग में उतरते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन ताज़ा फलों की। ये वाली खुशबू हमें आम जो मार्केट में हम जाके लेते हैं तो ये खुशबू मुझे नहीं आती, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी मीठी खुशबू है और इनको देखने से ही पता चल रहा है कि कितने ये अच्छे बग़ैर किसी कोई केमिकल्स डले हुए साफ़ सुथरे आप आराम से इन्हें खा सकते हैं यहीं पर बैठे। और यहाँ पर मैंने फैमिलीज़ देखी हैं जो बैठ खा भी रही थी, छोटे बच्चे साथ बैठे हुए हैं तोड़ रहे हैं और फल खा रहे हैं, तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है। काफ़ी सारा फ्रूट नीचे गिर जाता है और इस तरह वेस्ट होता है, कुछ लोग बस ऐसे ही तोड़ देते हैं। वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने शुरू में सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं ओनर ने। ये देखें किस तरह फैमिलीज़ बैठ के खा भी रही हैं साथ साथ। तो कोशिश करें जब भी जो भी इस तरह के बागात में जाएँ तो जो फ्रूट उनको लगे कि फुली राइप है उसी को खाएं, ताकि खुदा की नेमत है ये ज़ाया ना हो। ये कैसा है? ये मुझे राइप हुआ हुआ लग रहा है। ये ठीक है? ये देखें इस ट्री को पता नहीं क्या हुआ, ये बेचारा आई थिंक को डिज़ीज़ हो गया होगा, कोई बीमार पड़ गया और ये सारे पीचेस सारे बेचारे श्रिंक हो गए इस तरह। अच्छा, आज काफ़ी गर्मी है यहाँ के हिसाब से, कनाडा के हिसाब से काफ़ी गर्म दिन है, लेकिन इन दरख्तों में आके बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही, बल्कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है और हवा भी ठंडी है यहाँ पे, और साथ साथ ये देखें एक गांव का नज़ारा देखने को मिल रहा है, और इतना अच्छा गांव, इतना साफ़ सुथरा गांव और इतना ऑर्गेनाइज्ड, तो वो देख के दिल को और खुशी होती है। तो आज का दिन तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है नेचर के साथ इंटरेक्शन का, अपने हाथों से फल को तोड़ने का। ये देखें इसके ऊपर, ये जब मैं इस तरह कर रही हूँ ना, तो ये पीच फज जो इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये देखें ये उतरती है, तो इसके साथ भी खा सकते हैं चाहे तो इसको उतार लें। ये देखें अल्लाह की नेमतें, इनके रंग चेक करें और ख़ूबसूरती चेक करें इनकी। जी, हमारी टोकरी तकरीबन आधी तो भर गई है। अब ये स्टूल यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं देख रही हूँ कि ट्री के ऊपर चढ़ के ना, ये देखें मैं ट्री के ऊपर आई हूँ और ये देखें ऊपर आके जो फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, जो विजिबिलिटी है वो नीचे से भी उस तरह के नज़र नहीं आ रहे। ये देखें ऊपर ज़्यादा राइप हुए हुए और ज़्यादा अच्छा उनका रंग है, ये वाले देखें। टू गुड, बहुत मज़े का। ये देखें लोगों के हस्बैंड उनको गुलाब का फूल ला के देते हैं और मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में ये पीच पकड़ा रहे हैं,
ताज़ा ताज़ा ठंडी ठंडी हवा है और प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं। काफ़ी कुछ हमने जमा कर लिए, काफ़ी हमारी टोकरी भर गई, लेकिन दिल नहीं भरा। दिल कह रहा है कि और तोड़ो, और वो जो तोड़ने का एक मज़ा है ना, बस वो दिल करता है तोड़ते जाओ और टोकरी में भरते जाओ। और जी, हमारी दोनों टोकरियाँ भर गई मज़े मज़े के फ्रूट से। इसका लेवल चेक करें, इसके कलर्स चेक करें, और ये देखें चेरी एवेन्यू फार्म, ये देखें इसका जूस, कितना मीठा जूसी फ्लेवर है इसका। तो बस अब सब जाने लगे, हम लोग वापस एप्रिकॉट फार्म की तरफ अब निकलेंगे। एप्रिकॉट फार्म का मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहिएगा। आपके साथ मैं पिक करूंगी एप्रिकॉट। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ भी। अल्लाह हाफिज़।